और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपना अपना नया कप्तान ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया है, घोषित कर दिया है। तो इस वीडियो में पूरी विस्तार से दोनों ही टीमों के नए कप्तान वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने ऑफिशियल तौर पर अपना नया कप्तान घोषित किया है आईपीएल 2023 के लिए, जो कि एडन मार्करम को सनराइजर्स हैदराबाद का नया कप्तान बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजमेंट ने। जहां इससे पहले सभी क्यास लगा रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मयंक अग्रवाल को अपना नया कप्तान बनाएगी टाटा आईपीएल 2023 के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद के टीम मैनेजमेंट ने एडन मार्करम को आईपीएल 2023 के लिए एसआरएस का अपना नया कप्तान बनाया है, घोषित किया है। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी की जो दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका टी20 लीग में सनराइजर्स एस10 कैप, जहां इस टीम के कप्तान एडन मार्करम थे और इन्होंने अपने कप्तानी में इस टीम को फाइनल का खिताब जीता था। बारे में दिल्ली कैपिटल्स के बेहतरीन विस्फोटक विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, जहां इस टीम के परमानेंट कप्तान थे, वो कार हादसे में बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, चोटिल हो गए थे, जिसके चलते वो पूरे आईपीएल 2023 से बाहर हो गए थे। और इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में टाटा आईपीएल 2023 के लिए अपना नया कप्तान घोषित कर दिया है। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दिया कि डेविड वार्नर होने वाले दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान आईपीएल 2023 में ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में। तो आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी डेविड वार्नर करेंगे, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी एडन मार्करम करेंगे। बात करें उप कप्तान के बारे में, यानी कि वाइस कैप्टन के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी ने कंफर्म कर दिया कि आईपीएल 2023 में जहां डेविड वार्नर कप्तान होंगे, तो वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान अक्षर पटेल होने वाले हैं। तो ये बड़ी ब्रेकिंग